हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल आलिम मैथ्स ब्लॉग। सो माय डियर स्टूडेंट, आज तुम लोगों को बताऊंगा इस टाइम मल्टीप्लाई को विदाउट कैलकुलेटर कैसे मल्टीप्लाई करना चाहिए। इजी प्रोसेस तुम लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा स्टूडेंट। तो यहां पर क्या है, 8 × 6 है और यहां पर भी 8 × 6 है। तो 8 × 6 को 8 × 6 से कैसे मल्टीप्लाई करना है आज बताऊंगा स्टूडेंट। तो इसलिए तुमको क्या करना चाहिए, यहाँ पर देखो माय डियर स्टूडेंट, तो इस 8 × 6 को कैसे लिखना है, यहाँ पर लिखना है 8 × 2 लिखना चाहिए, ठीक है। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा, 8 × 6 मिल जाएगा। इनटू इस 8 × 6 को कैसे लिखना चाहिए, यहाँ पर 8 × 2 लिया, यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, 3 को तुमको लिखना है, 8 × 3 लेना चाहिए। तो 8 × 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 8 × 6 मिल जाएगा। इसलिए तुमको यहाँ पर 2 लिया है, 8 × 2, तो यहाँ पर तुमको क्या लेना चाहिए, 8 × 3 लेना चाहिए। तो 8 × 3 लिखना है, 4, 5, 6, 7 and 8 × 2, ठीक है। तो इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करने से 8 × 6 मिल जाएगा। और यहाँ पर देखो माय डियर स्टूडेंट, 8 × 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने से इस टाइम नंबर मिल जाएगा। तो उसके बाद तुमको क्या करना चाहिए माय डियर स्टूडेंट, इस 3 को इस 8 × 3 के साथ तुमको मल्टीप्लाई कर देना चाहिए और इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। 8 × 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो और 8 × 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 × 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने से मिलेगा 8 × 4 मिल जाएगा माय डियर स्टूडेंट। 4 × 4 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 2, तो 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 × 9 मिलेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 5, 6, 7 and 8, ठीक है। तो उसके बाद तुमको क्या करना चाहिए, 8 × 9 को तुमको कैसे लिखना है, तो 8 × 4 को तुम सेम कॉपी करना चाहिए, मतलब यहाँ पर हो जाएगा सेम कॉपी कर दो, तो हो जाएगा 4, 4, 4, 4, तो 8 × 4 यहाँ पर लिखना है। इनटू तो 8 × 9 को तुम 8 × 9 जिस टाइम रहेगा ना, तो तुमको कैसे लिखना चाहिए, तो 1 के बाद तुमको कितना जीरो लेना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब 8, तो ना 8 जीरो लेना चाहिए। तो 8 × 1 के बाद 8 × 0 मतलब क्या होगा, 10 crore, ठीक है। 7 × 0 1 के बाद 7 × 0 मतलब 1 crore, तो 8 × 0 मतलब 10 crore तुमको पहले लिखना है। 1, 2, 6, 7, 8 −1, तो इस नंबर दोनों नंबर को माइनस करने से 8 × 9 मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो सेफ तुमको क्या करना चाहिए, इस 1 के बाद 8 × 0 इस नंबर के साथ इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। तो इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करने से क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखो 0, ठीक है, 8 × 0 और यहाँ पर 1 है, तो इसको मल्टीप्लाई करने से सेफ तुमको क्या करना है, 1 के साथ इस नंबर को मल्टीप्लाई करने से सेम तुमको लिखना है, लिखने के बाद 8 × 0 लिखना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, 4, 4, 8 × 4 लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर कितना जीरो है, 1, 2, 8, 0, तो यहाँ पर तुमको सिर्फ 8 × 0 लिख देना चाहिए। तो विदाउट कैलकुलेटर इजी से सॉल्व हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, 3, 6, 7, 8 माइनस इस 4 को 8 × 4 को 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करना चाहिए। 8 × 4 को 1 के बाद 8 × 0 है ना, माना 10 crore के साथ मल्टीप्लाई कर देना चाहिए और 8 × 4 को 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करते। यहाँ पर तुमको क्या लिखना है, 4, 4, 8 × 4 लिखना चाहिए, ठीक है, 7, 8, ठीक है। तो इसके बाद तुमको सिर्फ तुमको सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए। तो सब्ट्रैक्ट करने से क्या मिलेगा, यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट, इसको सब्ट्रैक्ट करने से मिलेगा, सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा 6, 5, यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर भी 5 होगा, ठीक है। यहाँ पर इसके साथ सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, 5, यहाँ पर भी 5 होगा, तो एक यहाँ पर 6 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 मतलब यहाँ पर हो जाएगा 5, 5, 2, 3, 6, 7, तो यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद तुमको क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर देखो माय डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर होगा 4, तो कितना है, 3 के बाद यहाँ पर देखो 8 × 4 था, तो यहाँ पर पहले वाला 3 होगा, तो
तो यहाँ पर की सेवन टाइम्स तुमको फोर लिखना चाहिए। तो यहाँ पर फोर फोर कितना है, फाइव सिक्स सेवन, ठीक है। तो सेवन टाइम्स फोर होगा, उसके बाद थ्री और उसके बाद इस नंबर। तो माय डियर स्टूडेंट, विदाउट कैलकुलेटर बहुत इजी से सॉल्व हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। तो सो माय डियर स्टूडेंट, इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस ट्रिक, सो प्लीज सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।